हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर अनामिका अहरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक द लेक्चर ऑन द टॉपिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट दैट इज SCM, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि अब सीधी सी बात है कोई मैनेजमेंट यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब प्रॉपरली तरीके से वो चीज़ मैनेज होगी। क्या चीज़ मैनेज होगी? जो सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन हो रही होगी। अब ठीक है, जो इसमें क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिकली मैनेज होगा, ऑर्गेनाइज होगा, कंट्रोल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स, उसे कोड्स और दूसरी एंटिटीज़ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान होती हैं, ये सारा चीज़ उसमें सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा प्राइमरी गोल क्या हो गया इसका? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमल मिस्टेक्स। और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड इट कैन एक्यूरेटली डिटरमिन हु मेड विच रिविजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसका बेसिकली प्राइमरी रीज़न क्या हो गया फॉर इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अगर टेक्निकली बात की जाए तो दीज आर मल्टीपल पीपल, सॉरी दे आर मल्टीपल पीपल्स वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर विच इज़ कॉन्टिन्यूअली अपडेटिंग। जैसे कभी जैसे हम लोग भी कॉन्टिन्यूसली वेबसाइट पे काम कर ही रहे हैं, आप लोग भी वेबसाइट पे अपना चीज़ें देख ही रहे हो, तो मीन्स कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ हो रही है, कुछ चीज़ अपडेट हो रही है। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे मंडे को ट्यूजडे को सेशंस इस तरह से होंगे, तो कभी टाइम टेबल थोड़ा शफल करना पड़ता है। मीन्स कॉन्टिन्यूसली भी पीपल्स आर वर्किंग एंड अपडेटिंग। ओके, सो एंड इट मे बी अ केस वर मल्टीपल वर्जन्स ब्रांचेस ऑथर्स आर इन्वॉल्व इन अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट एंड द टीम इज जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वर्क्स करेंट कॉन्करेंटली। ओके, सो इसमें क्या चेंजेस इन यूजर रिक्वायरमेंट पॉलिसी बजट स्केड्यूल नीड टू बी एकोमोडेटेड। और सॉफ्टवेयर इसमें क्या करोगे, शुड एबल टू रन ऑन वेरियस मशीन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दिस हेल्प्स टू डिवेलप कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। SCM जो प्रोसेस है वो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू कंट्रोल द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग चेंजेस टू अ सिस्टम। तो इस डायग्राम में देख रहे हो कि आप इसमें क्या है, देखो चेंज इन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अब चेंज इन टीम ऑर्गेनाइजेशन है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स है, चेंज इन प्रोडक्ट स्केड्यूल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होगी, तो ये सब चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन्हीं सब का चीज़ों का मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ भी चेंज होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम में तो ये अफेक्ट करेगा पूरे प्रोडक्ट पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो देयरफॉर चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स नीड टू बी कंट्रोल एंड मैनेज, इसलिए वो कंट्रोल भी होना चाहिए, मैनेज्ड प्रॉपरली होना चाहिए। टास्क क्या होते हैं SCM प्रोसेस के? कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, बेसलाइन, चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स एंड रिव्यूज़। अब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन में क्या हो जाता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्कोप देखेंगे। जैसे बोलते हैं आइडेंटिफाई किसी चीज़ को करना कि स्कोप क्या है उसको करना। अब इस स्टेप की हेल्प से क्या करोगे कि आप जो उसको मैनेज करोगे या फिर कंट्रोल करोगे जबकि आपको पता भी नहीं है कि वो है क्या। ठीक है, एंड आई मीन यू डोंट नो व्हाट इज दिस। ठीक है, and it is a description that contains the CSCI types, that is computer software configuration items. ये क्या 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 आइटम्स है ये सब आपको चेक करना रहेगा, प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर एंड वर्जन इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, इस प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन आइटम्स लाइक सोर्स कोड मॉड्यूल्स टेस्ट केस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन and identification of CI in the SCM repositories using object-oriented approach,
ये जो प्रोसेस स्टार्ट करती है बेसिक ऑब्जेक्ट से और ग्रुप करती है, एग्रीगेट करती है ऑब्जेक्ट्स को, फिर उसके बाद में जो उसको डिटेल में जाती है कि व्हाट व्हाई व्हेन एंड बाय हुम चेंजेस इन द टेस्ट टारगेट, कि इन सब के किसके द्वारा ये चेंज किया गया। अब एवरी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हैज़ इट्स ओन फीचर्स एंड आइडेंटिफाई इट्स नेम्स दैट इज एक्सप्लिसिटली टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स and list the resources required such as the document, the file, tool, etc. अब आते हैं example. Example देखते हैं, जैसे आप एक file जो है ना login.php पे आपने देखी है, उसमें अब आप क्या कर रहे हो कि this and it should be named login v1.2php where v1.p stands for the version number of the file. तो आपने फाइल का नाम देते लेकिन वो था क्या, वर्जन था। तो इंस्टेड ऑफ नेमिंग फोल्डर कोड इट शुड बी नेम्ड कोड डी, ठीक है। तो अपन कोड डी के उसमें देखेंगे। अब डी क्या करेगा, रिप्रेजेंट कोड शुड बी बैंक्ड अप डेली, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बेस लाइन की बात करते हैं, बेस लाइन में क्या होगा कि जो बेस इज अ फॉर्मली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स एंड इट इज डेजिग्नेटेड एंड फिक्स्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम व्हाइल कंडक्टिंग द SCM प्रोसेस, ओके। एंड इट कैन ओनली बी चेंज थ्रू फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी इसमें, इस प्रोसेस के दौरान, कि फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वर्जन ऑफ अ एप्लीकेशन, ठीक है। डिफाइंस एंड डिटरमाइन मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग वेरियस वर्जन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो द फंक्शनल बेसलाइन क्या हो गया, करस्पॉन्ड्स टू टू द रिसीव्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो दिस इज वाइडली यूज बेसलाइन इंक्लूड फंक्शनल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट बेसलाइन, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर बोलना चाहे तो बेसलाइन का मतलब होता है रेडी फॉर रिलीज। आप चेंज कंट्रोल की बात करते हैं तो चेंज कंट्रोल क्या हो गया, एक प्रोसीजरल मेथड है जिसका मतलब ये होता है कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी जब चेंज होगी तो कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट में, तो उसमें आपको कंट्रोल देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड इस स्टेप में क्या करते हो, द चेंज रिक्वेस्ट इज सबमिटेड टू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स। चेंज रिक्वेस्ट किसके द्वारा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के द्वारा सबमिट की जाती है। एक्टिविटीज़ क्या होंगी इस प्रोसेस की, कि कंट्रोल एडॉक चेंज टू बिल्ड स्टेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Changes are committed to the repository. The request will be checked based on the technical merit, possibility, side effects and overall impact on other configuration objects. It manages changes and making configuration items available during the software lifecycle. अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, अकाउंटिंग में ये ट्रैक रखेगा कि जितने भी आपकी प्रोसेस हुई हैं SCM प्रोसेस, उनका रिकॉर्ड और उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। इस स्टेज में क्या करते हैं, जो कि हर मतलब जितने भी आपके हर वर्जन के लिए ट्रैकिंग करते हैं और जितने भी उसमें उन सब चीज़ों में चेंजेस हो रहे होते हैं उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज़ क्या होंगी इस प्रोसेस के दौरान, वी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस मेड टू द प्रीवियस बेसलाइन टू रीच अ न्यू बेसलाइन। इट आइडेंटिफाइज ऑल आइटम्स टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटर स्टेटस टू चेंज रिक्वेस्ट, चेंज कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल चेंजेस सिंस द लास्ट बेसलाइन, अलाउज ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ नेक्स्ट बेसलाइन, allows to check previous release version to be extracted for testing. Configuration auditor review की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि ये verify करेगा कि जितने भी software product है वो satisfy हुए हैं, यानी उसकी baseline की needs के according। अब ये क्या करेगा, this ensures that what is built is what is delivered, जो बनाया था वही deliver हुआ है या नहीं हुआ है,
ठीक है, इसकी एक्टिविटी प्रोसेस क्या हो जाएंगी, मतलब इस प्रोसेस की एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, कि कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग इज कंडक्टेड बाय द ऑडिटर्स बाय चेकिंग दैट डिफाइंड प्रोसेसेस आर बीइंग फॉलोड एंड एंश्योरिंग दैट द SCM गोल्स आर सेटिस्फाइड और टू वेरीफाई कंप्लायंस विद कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड चेंजेस रिपोर्टिंग द चेंजेस मेड SCM ऑडिट्स ऑल्सो इंश्योर that traceability is maintained during the process and this ensures that changes made to be baseline comply with the configuration status reports, validation of completeness and consistency. ये सारी activities होंगी इस process के दौरान. अब participants क्या होते हैं SCM process के, देखो कि ये ऑपरेशन सिनेरियो में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, डेवलपर, यूजर, ये सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या बेसिकली ये क्या हेड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सभी भी आइडेंटिफाई जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. और CM कहते हैं ये क्या इंश्योर्स मैनेज टीम फॉलो द SCM प्रोसेस, ही और शी नीड्स टू अप्रूव और रिजेक्ट चेंज रिक्वेस्ट. डेवलपर में क्या कर डेवलपर क्या करता है कि डेवलपर नीड्स टू चेंज द कोड एज पर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज और चेंज रिक्वेस्ट. ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि कॉन्फ़िगरेशन कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपर, और डेवलपर चेक करता है कि जितने भी चेंजेस हुए वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब उसका सही से हो चेंजेस हर जगह. ऑडिटर का काम होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर SCM ऑडिट्स एंड रिव्यूज, जो ये देखता है कि जो इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलीज. प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या हो जाता है कि दिस इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम. दिस मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट एंड रिकॉग्नाइजेस इश्यूज इन द SCM प्रोसेस एंड जनरेट रिपोर्ट्स अबाउट द डेवलपमेंट एंड सॉरी अबाउट द स्टेटस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम. मेक श्योर दैट processes and policies are followed by creating, changing and testing. User की बात करें तो end user should understand the key SCM terms to ensure he has the latest version of the software. आप configuration management plan की अगर आप बात करते हैं उस तो क्या होता है ये दिस ये एक प्रोसेस है प्लानिंग की जो बिगिन होती है द अर्ली कोडिंग फेज. जब कोडिंग फेज अपन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में ही अपन कोडिंग फेज प्रोजेक्ट के कोडिंग फेज के पहले स्टार्ट की जाती है. अब जो आउटकम होता है प्लानिंग फेज का SCM का प्लान करता है विच माइट बी स्ट्रेच और रिवाइज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. आप जो ये SCMP कैन फॉलो ए पब्लिक स्टैंडर्ड लाइक द IEEE 8 to 8 और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड. ये क्या डिफाइन करेगा, इट डिफाइंस अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी मैनेजमेंट एंड द डॉक्यूमेंट नेमिंग जैसे कि टेस्ट VI. ओके, ये क्या डिफाइन करेगा पर्सन को कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस पूरे SCM प्रोसेस के लिए और बेसलाइन की क्रिएशन के लिए. ये फिक्स करेगा पॉलिसीज का वर्जन को, मैनेजमेंट को, चेंज कंट्रोल को. ये टूल्स को डिफाइन करेगा जो कि SCM प्रोसेस में यूज़ हो रहे होंगे. और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस है वो उसके रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन के लिए जो होगा वो उसमें देखेंगे डेटाबेस में. अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के टूल्स ही जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जो कोई भी चेंज होगा सॉफ्टवेयर में तो उसके तीन कारण हो सकते हैं. जैसे पहला तो मैं बेसिकली 3 की फीचर्स होते हैं. पहला कॉन्करेंसी मैनेजमेंट, दूसरा वर्जन कंट्रोल एंड देन द सिंक्रोनाइजेशन. कॉन्करेंसी मैनेजमेंट में क्या हो जाता है जब दो या दो से ज़्यादा टास्क हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे तो उसमें क्या कॉन्करेंट ऑपरेशंस होते हैं ना, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में से एक के ऊपर एक तो वो एक ओवरलैपिंग की चीज सिचुएशन आ जाती है. तो कॉन्करेंसी क्या करता है इस कॉन्टेक्स्ट में SCM, मतलब कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है SCM में कि जो सेम फाइल बीइंग एडिटेड बाय मल्टीपल पर्सन एट द सेम टाइम, मीन्स एक ही फाइल को एक टाइम पे कई लोग उसको अपडेट कर रहे होते हैं. आप अगर कॉन्करेंसी इज़ नॉट मैनेज करेक्टली, कॉन्करेंसी मैनेज नहीं की गई तो SCM
टूल्स के साथ, तो जो उससे क्या प्रोसेसिंग इश्यूज, सॉरी प्रेसिंग मैनी प्रेसिंग इश्यूज हो जाते हैं। वर्जन कंट्रोल की बात करें तो SCM यूजेस अचीविंग मेथड और सेविंग एवरी चेंज मेड टू फाइल विद द हेल्प ऑफ अचीव आर्काइविंग और सेव फीचर्स। इट इज़ पॉसिबल टू रोल बैक टू द प्रीवियस वर्जन इन द केस ऑफ इशूज। सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो यूजर्स कैन चेक आउट मोर देन वन फाइल और एन एंटायर कॉपी ऑफ द रिपोजिटरी। द यूजर देन वर्क्स ऑन द नीडेड फाइल एंड चेक्स इन द चेंज बैक टू द रिपोजिटरी एंड दे आर सिंक्रोनाइज देयर लोकल कॉपी टू स्टे अपडेटेड विद द चेंजेस मेड बाय द अदर टीम मेंबर्स। ओके, तो ये कुछ टूल्स हैं जैसे गेट हो गया, तो आप इससे इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। टीम फाउंडर सर्वर के ये नीचे लिंक दिया गया है, एंसिबल का लिंक है, ये भी ओपन सोर्स है आपका, ठीक है। चेक इसमें और भी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन टूल्स हैं, ये लिंक दी गई है, उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन लास्ट में क्या होता है इसमें अपन बेसिकली इस सेशन में, कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जैसे कि सिस्टमेटिकली चीज़ मैनेज होती है, ऑर्गेनाइज होती है, कंट्रोल जितने भी चेंजेस होते हैं डॉक्यूमेंट में वो होते हैं, कोड्स में अदर एंटिटीज़ होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान, ठीक है। अब प्राइमरी गोल क्या हो जाता है इसका, कि प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम मिस्टेक्स के साथ अच्छी होती है प्रोडक्टिविटी। और जो मेन रीज़न इसके पीछे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस का है वो ये है कि मल्टीपल पीपल्स उसमें होते हैं वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर विच इज़ कंटिन्यूअली अपडेटिंग। द SCM जो है हेल्प्स एस्टैब्लिश कॉन्फ्रेंसी सिंक्रोनाइजेशन एंड वर्जन कंट्रोल। बेस लाइन क्या होती है, फॉर्मली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ ए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। चेंज कंट्रोल क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसीजर मेथड होता है जो कि इंश्योर करता है क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को जब चेंजेस हो गए होते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस जो होता है काउंटिंग का ट्रैक्स ईच रिलीज ड्यूरिंग द SCM प्रोसेस। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो ऑडिट होता है वेरीफाई करता है दैट ऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द बेस लाइन नीड्स। प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डेवलपर ऑडिटर ये सारे के सारे यूजर्स पार्ट जो होते हैं SCM का एक पार्टिसिपेंट्स होता है SCM प्रोसेस के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो जो SCM प्रोसेस है वो प्लानिंग क्या सबसे अर्ली फेजेस में प्रोजेक्ट की स्टार्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। और गेट टीम फाउंडेशन सर्वर और एंसिबल कुछ पॉपुलर SCM टूल्स हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। ओके, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।